नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के झिंझाना क्षेत्र में एक युवक को तीन बदमाशों ने गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां कुछ दिन पूर्व अज्ञात बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं अब तीन युवकों ने एक युवक पर गोलियां दाग दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। दरअसल मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के ऊन चौकी क्षेत्र के PSC के पास का है, जहां विशुकांत शर्मा पुत्र पुष्पेंद्र शर्मा को कुछ अज्ञात लोगों ने फोन कर बुलाया और उसे गोली मार दी। जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल लेकर पहुंची। इस दौरान चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के पिता ने तहरीर देकर बताया कि हैप्पी दलाल रोहित लाटियान और एक अज्ञात युवक ने विशु को फोन कर बुलाया था और PSC के पास उसे गोली मार दी। जिस वक्त यह घटना घटी, उस वक्त निमित नाम का युवक मृतक के साथ था, जिसने इस पूरी घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने हैप्पी नाम के युवक को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी दो युवकों की तलाश शुरू कर दी है। विशु की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जहां परिजनों ने आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। मेरा लड़का विशु को अपनी लड़का बुलाया ले गया और उसने अपने साथियों को मिलकर उसका गोली मार दी जी। अपी के बाप का नाम ऋषि पाल, कहाँ का रहने वाला? उनका निवासी है वो। और दूसरे लड़का किसी का नाम पता है? उसका और का पता नहीं जी, उसे पता जी अपी को। अच्छा, हाँ जी। ये अभी आपके लड़के को गोली किसने मारी, कुछ पता है? वो अपी बुला कर लेगा जी, उन्होंने लगवाई गोली। कब की बात है? आज की बात है जी, 3 से 4 के बीच में। और लगभग किस जगह? ये सरकारी अस्पताल के दौरे शमशान घाट है जी वहाँ। आपका गांव कौन सा है? ऊन। ऊन, क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मेरी मांग है जी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। विशु का आपके साथ क्या रिश्ता है? मेरा लड़का है जी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।